काफी टाइम बाद काफी प्रोफेशनल बैनर्स आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई होप आपको काफी पसंद आएंगे। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डाउनलोड करने से पहले वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसका तरीका कार थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको एडिट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही इजीली एडिट कर पाओगे। इवन आप जो है इन फ्यूचर में जो भी बैनर्स वगैरह लाऊंगा उनको भी आप एडिट कर पाओगे। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो है इसको ओपन कर लेना है अपने फोटोशॉप में। अगर आप मोबाइल पे करना चाह रहे हो एडिट, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिस तरीके से मैंने उस पर गाइड किया हुआ वीडियो में, आप उस तरीके को फॉलो करके आप इजीली मोबाइल पर भी एडिट कर सकेंगे। सो बैक टू द पॉइंट, अपना हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इन बैनर्स को एडिट कर सकते हैं। तो नंबर वन पर है हमारे पास ये वाला बैनर, तो इसको कैसे एडिट करना है, तो सिंपल तरीका है कि आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने जिस टेक्स्ट को एडिट करना है उसको सेलेक्ट करके आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है। इसके लिए आपको फॉन्ट जो है वो बेबस न्यू फॉन्ट है, जो कि आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पर यूज़ कर सकोगे। ओके, सो इस तरीके से यहाँ से टेक्स्ट एडिट हो गया। देन आप स्क्रीनशॉट्स भी चेंज करना चाहो, तो यहाँ पर मैंने फाइल दी हुई है, तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स भी चेंज कर सकोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला टेक्स्ट बैनर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और इसको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो इस हम रेड लेयर को कर देते हैं हाइड, और इनको कर देते हैं क्लोज, यानी डिलीट ही कर देते हैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये टेक्स्ट है जिससे ये लेयर है, तो जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे यानी डबल क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया योर DB लिख दिया फॉर एग्जांपल। DB लिखने के बाद मैंने सेव कर दिया और क्लोज कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पर किया तो वहाँ से ये कट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो अब दोबारा से कट्स हम मैनुअली बनाएंगे, यानी कि जो हमने लगाए थे वो यानी स्लाइस बनाए हुए थे, उसको बनाने के लिए अब हम तरीका आपको बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने लासर टूल पॉलीगॉन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस एंगल से अपने स्लाइस बनाने उस एंगल से आपने उसकी सिलेक्शन बनानी है। देन आपने जो है मूव टूल सेलेक्ट करना है, और अपनी एरो कीज़ को यूज़ करते हुए अप डाउन राइट साइड या जिस तरफ भी लेके जाना चाहो उस तरफ लेके जा सकते हो। देन आपने क्या करना है कि सेकंड वाला टूल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl D, वैसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बना दिया। अब क्या करते हैं कि इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट प्रेस करके एक बार इस तरह प्रेस कर देंगे, यानी शिफ्ट प्रेस करते हुए डाउन की प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से ये ड्रैग हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ऊपर वाली लेयर को हाइड कर लेना है, और देन अगेन हमने वो सेलेक्ट करना है पॉलीगॉन टूल, और यहाँ से हमने सिलेक्शन बनानी है कि हमारा जो स्लाइस के अंदर वाला टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है, और देन हमने यहाँ से इसको लगाना है मास्क। मास्क लगाने के बाद यहाँ से आपने Ctrl I प्रेस करना है मास्क को सेलेक्ट करते हुए, ताकि ये इनवर्स हो जाए। ओके, हो गया। देन आपने क्या करना है कि इस लेयर को सेलेक्ट करना है, इसको एक मिनट सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ज़्यादा हो गए, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको Alt प्रेस करके, यानी यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर देंगे। ओके, हो गया। देन इसका जो है एंगल आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, ऊपर नीचे करना चाहो। ओके, तो जैसा ये है हम क्या करते हैं, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने न्यू लेयर ली, और इसको भी Alt प्रेस करके हम यानी क्लिप मास्क कर देंगे, और यहाँ से अपने ब्रश टूल ले लेना है, और यहाँ से जिस तरीके से भी आप करना चाहो यहाँ से शेडो वगैरह दे सकते हो। ओके, सो अगर कोई ज़्यादा हो गया तो आप उसको जो है इनवर्स यानी इरेज कर सकोगे ईजीली। तो नंबर थ्री है हमारे पास ये वाला बैनर, जो कि ये भी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा है, और इसको भी एडिट करना काफ़ी इजी है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपको ये जो है लेयर्स मिलेंगी, आपने फर्स्ट एडिट मी वाली को क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और यहाँ से आपने आ जाना है, और इसका फॉन्ट आपको जो है वो ये शो हो रहा है नाम, तो आप यही इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया हमने
RDB या यानी OTDB, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। तो सेव करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर नीचे वाले टेक्स्ट का नहीं हुआ, तो हम उसके लिए सेकंड लेयर पे जाएंगे। अगेन इस यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, उसको ओपन किया और देन यहाँ पर भी वही तरीका कि यहाँ से टेक्स्ट DB लिख देंगे और इसको कर देंगे सेव। सो सेव करने के बाद ये देखोगे आपके यहाँ पर इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब अगेन यस करोगे तो ये हमारा कम्प्लीटली टेक्स्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो चेंज कर सकोगे ईजीली। ओके, तो नंबर 4 पे हमारे पास ये वाला बैनर जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है। इसको किस तरह एडिट करना है, सिंपल आपने एडिट मी वाली लेयर को डबल क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। इसको जो है एडिट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसका तरीका बताता हूँ। इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसका डुप्लीकेट लेयर बना ली थी ताकि हम जो है इसको एडिट कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम हाइड कर लेते हैं दोनों लेयर्स को, सिर्फ टेक्स्ट वाली लेयर को रहने देते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किए, यहाँ से आप अपना नाम लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ योर। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ से अपने कंट्रोल जे प्रेस करना है, इसकी यानी कि डुप्लीकेट बनानी है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने कन्वर्ट टू शेप कर देना है। कन्वर्ट टू शेप जैसे ही करेंगे आपके पास ये जो है पाथवेज शो होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी शेप यानी सेलेक्ट करनी है, शेप टूल सेलेक्ट करना है। देन आपने क्या करना है कि इसकी फिल को कर देना है नन और स्ट्रोक को लगा देना है ब्लैक, और यहाँ से आपने इसकी सेटिंग रखनी है 10px और इसमें जाके आपने इसकी अलाइनमेंट को आउटसाइड कर देना है। सो इस तरीके से हमारे पास एक शेडो बन जाएगा, सॉरी स्ट्रोक बन जाएगा, यानी जो हमने ये सेटिंग लगाई हुई थी वही सेम यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी है। ओके हो गया, इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम इसी लेयर की डुप्लीकेट बनाते हैं, यहाँ से ओके किया और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ले आए, यानी कि इसके नीचे। अब हम इस लेयर की सेटिंग इस पर अप्लाई करेंगे। सो ग्रीन कलर है, 20px है और यहाँ से आउट है। ओके, सो यहाँ से क्या है ग्रीन कलर। ओके, सो ग्रीन कलर आ गया, देन यहाँ से 20px है, 20px एंटर, और यहाँ से हमने इसको कर दिया आउट और यहाँ से हमारा आउट हो गया। ओके हो गया, तो ये हमारी सेटिंग आ गई। अब आप यहाँ पर इसको स्ट्रोक लगाना चाहो इसी लेयर को, वो भी लगा सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या करना चाहते हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी को स्ट्रोक लगाना चाहते हैं जो आउट हमारी बाहर आई हुई है, तो जैसा कि यहाँ पर ये स्ट्रोक हम ऐसे लगा लेते हैं वाइट है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं और ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रोक लग गया, और अब हम क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करोगे आप तो ये कंप्लीट सभी जगह पे ये टेक्स्ट जो है रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो नंबर 5 पर है हमारे पास ये वाला बैनर जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो सिंपल आपने क्या करना है कि एडिट मी पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है और इसको रिप्लेस कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने डिज़ाइन बैनर लिख दिया और इस तरीके से मैंने इसका जो है वो लगा दिया। अब इसको हाइड किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करता हूँ कि इसको डायरेक्ट सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया और इवन ये सभी जगह से चेंज हो चुका है। अब आप स्क्रीनशॉट्स इनके जो चेंज करना चाहते हो उसका मैंने अलहदा से इस यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी ये रहे स्क्रीनशॉट्स। तो इन पर आप डबल क्लिक करोगे, इनके अंदर चले जाओगे, तो यहाँ से जाके जो है आप इनकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हो अपने स्क्रीनशॉट्स। देन सेव करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो नंबर 6 पे है हमारे पास ये वाला बैनर जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, यानी कि ये मुझे भी बहुत प्यारा लगता है ये बैनर, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है शेप्स वगैरह यूज़ की है मैंने। तो इसको जो है एडिट करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है कि टेक्स्ट लेयर पे आना है। टेक्स्ट लेयर पे आने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो ये शेडोज वगैरह मिलेंगी और इसको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, सो यहाँ पर जील मिस्त्री लिखा हुआ है, तो इसमें आपने आना है और यहाँ से आपने आगे टेक्स्ट को एडिट करना है। लाइक जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिजाइंस BB लिख दिया और इसको मैंने कर दिया क्लोज और सेव कर दिया। जैसे सेव किया तो यहाँ पर ये रिप्लेस होगा, लेकिन एक मसला भी आएगा। ये देखो जैसे ये प्रॉब्लम आई, इसको कैसे फिक्स करना है इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस लेयर को कर देना है राइट क्लिक करके डिलीट, यानी मास्क की लेयर को डिलीट करना है। देन आपने क्या करना है कि इस ग्रुप वाली फाइल को जो है आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको कर देना है रेस्टोराइज, या आप उसको मर्ज भी कर सकते हो। देन आपने क्या करना है कंट्रोल होल्ड करते हुए इस पर
इसकी जो है थंबनेल पे क्लिक करना है तो ये इसकी सिलेक्शन बना लेगा। देन आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट लेयर होगी उस पर जाके आपने मास्क अप्लाई कर देना, दैट्स इट। अब जो है इस लेयर को आप डिलीट कर दें या हाइड कर दें वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इतना सा काम करके आपने सेव करना है, जैसे ही सेव करोगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो एडिट हो गया, इवन जो बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट लगा हुआ है ये भी एडिट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बैनर एडिट हो गया और आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो है ये ऊपर मैंने कलर ग्रेडिंग वगैरह की फाइल्स अप्लाई की हुई हैं, ये सभी में आपको मिल जाएंगी तो आप इजीली इनको कलर ग्रेड कर सकोगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ओके तो फिर अल्लाह हाफिज़।